सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाय एवरीवन, सास बहु रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक डेजर्ट रेसिपी और वो है कीवी फ्रूट पुडिंग। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी। कीवी पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा लीटर दूध, 3 कीवी के हमने इस तरह स्लाइसेस किए हैं, 6 टेबलस्पून शक्कर, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 8 ग्राम अगर और साथ ही यहाँ हमने 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ली है। सबसे पहले हम अगर को पानी में 15 मिनट के लिए भिगा के रखेंगे। अब आगे हम हमारे फुल क्रीम मिल्क में ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और इसे अच्छी तरह घोल लेंगे, जिससे कि हमारा फुल क्रीम मिल्क और भी गाढ़ा हो जाएगा। अब एक पतीले में लेंगे हम तकरीबन आधा कप पानी और ऐड करेंगे हमारा सोक किया हुआ अगर। अगर को हमें डिसॉल्व होने तक पकाना है, जब तक कि हमारा चाइना ग्रास पिघल रहा है तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। पहले हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर में मैंने थोड़ा पानी ऐड किया है। अब मैं इसकी स्लरी बना लूँगी। कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने के बाद यहाँ मैंने एक मोल्ड लिया है और इस मोल्ड में मैं इस तरह कीवी के स्लाइसेस अरेंज कर लूँगी। इस तरह मोल्ड के साइड्स में भी हम कीवी के स्लाइसेस लगाएंगे। अब ये हमारा मोल्ड सेट हो गया है, तो अब करेंगे आगे की प्रोसीजर। आप देख सकते हैं हमारा चाइना ग्रास अच्छी तरह घुल चुका है, तो डालेंगे शक्कर और आगे इसमें हम ऐड करेंगे दूध। दूध में हमने मिल्क पाउडर को घोल के रखा हुआ था, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही आगे इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी जो हमने बना के रखी थी। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हमें उबाल आने तक अच्छी तरह पका लेना है। एक 5-6 मिनट में हमारा दूध और सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह पक चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इस मिक्सचर को हमारे मोल्ड में ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह ऐड करना है हमें। आगे हम हमारे पुडिंग को सेट होने के लिए 2 घंटों के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। अब 2 घंटों बाद हम हमारे कीवी फ्रूट पुडिंग को इस तरह डीमोल्ड करेंगे। सबसे पहले तो हम इसे कॉर्नर से इस तरह लूज करेंगे और फिर इसे हम एक प्लेट पर इस तरह रख कर डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी कीवी फ्रूट पुडिंग बनके तैयार है। इस पुडिंग को हम गार्निश करेंगे कीवी सॉस से और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप भी ज़रूर एक बार बनाइए ये मज़ेदार रेसिपी। हमारे चैनल को लाइक